देखो बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संयुक्त अक्षर बता रहे हैं जो कक्षा एक से लेकर पांच तक काम आते हैं। संयुक्त अक्षर वे होते हैं जो दो व्यंजन या उससे ज्यादा व्यंजन के मिलने पर बनते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त अक्षर है, जिसमें एक है छा, क्रा, या और श्रा। तो इससे शुरू होने वाले अक्षर आप जानते होंगे, क्षत्रिय लिखते हैं तो यहां से शुरू करते हैं। त्रा से शुरू होने वाला अक्षर देखो इसी का होता है त्रिशूल। ज्ञा से शुरू होने वाला होता है हिंदी अक्षर ज्ञान या ज्ञानी, जो कि हिंदी वर्णमाला वर्णमाला अज्ञानता से शुरू होती है, छोटे आ से अज्ञानता से शुरू होती है और ज्ञानी पे जाके खत्म होती है। आप पढ़ जाते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं। श्रा सिर में, इसका हिंदी है, हिंदी का अक्षर सिर में भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब बात आई छा में कौन कौन से अक्षर होते हैं। छा में दो अक्षर होते हैं, ध्यान से सुन लो, का और शा, ये दो अक्षर होते हैं, ध्यान से देख लेना। फिर हम दोबारा पूछेंगे, ग्रा में होता है का और रा, ये आधा कहलाता है आधा अक्षर, ये पूरा होता है दूसरा। या में होता है जा और वा। श्रा में होता है बड़ा शा और रा। ये चार अक्षर, तो यही तो बताया ना, दो व्यंजन मिले, एक व्यंजन ये एक व्यंजन ये, दोनों मिक्स कर दिया आपस में बन गया छा। इसी तरीके त्रा, यानी ता और रा को मिलाया तो एक अक्षर बना दिया उन्होंने त्रा। क्या बना दिया? त्रा। इसी तरीके ज्ञा में जा और वा मिलाया और बन गया ज्ञा। इसी तरीके शा और रा मिलाया आपस में बन गया श्रा। क्या बन गया? श्रा। और इस तरीके से हमारी वर्णमाला में चार अक्षर होते हैं। इनको याद रखना है आपके लिए कि छा में क्या होता है कोई पूछे आके, त्रा में क्या होता है, ज्ञा में क्या होता है और श्रामी का होता है। तो अब तो नहीं भूलोगे? नो सर। ध्यान रखें सबको। यस सर। थैंक यू वेरी मच।